नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल जो रखता है राज और समाज से जुड़ी हर खबरें। और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस की खास खबरें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। 132वीं जयंती पर प्रतापगढ़ जनपद की ग्राम सभा पुरवारा में निकाली गई शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में शामिल हुए सैकड़ों ग्रामीण लालगंज प्रतापगढ़ संविधान में अपने अधिकारों को जाने, संविधान में क्या क्या है हमारे अधिकार, इस पर डाला गया प्रकाश। हर नागरिक को अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहिए जिससे कि उनका किसी प्रकार का शोषण ना हो सके, साथ ही अपने अधिकारों के माध्यम से कानून के द्वारा अन्याय के विरुद्ध न्याय पा सकें। अधिकारों को जानना बहुत ही जरूरी है। जब जागरूक होगा समाज तभी होगा एक अखंड और खुशहाल भारत का निर्माण। ऐसी ही कई बातों को समाज के बीच में रखा गया और साथ ही एक भव्य शोभा यात्रा निकाल कर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती मनाई गई। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या विचारधारा लेकर की जा रही है शोभा यात्रा। हरिकेश चौरसिया, लाइव टीवी एक्सप्रेस। संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की आज जयंती है जिसको पूरे देश में एक पर्व की तरह मनाया जा रहा है। उनकी 132वीं जयंती है। आज इस उपलक्ष्य में जगह जगह इनके नाम के जुलूस निकाले जा रहे हैं, शांतिपूर्वक इनकी व्यवस्थाओं के बारे में बताया जा रहा है, साथ ये भी बताया जा रहा है कि संविधान से हमें क्या, यहाँ से क्या क्या चीजें मिलती हैं, संविधान से हमें कौन कौन से अधिकार मिलते हैं, बाबा साहब ने कितना हमको कुछ दिया है, उन चीजों को हमें जानने का मौका मिल रहा है। ऐसे ही इस समय मौजूद हूं मैं लालगंज तहसील के ग्राम सभा पुरवारा में, और पुरवारा में इस समय बाबा साहब की जयंती पर एक अच्छा कार्यक्रम किया गया। लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पर कई सारे लोग उपलब्ध थे। अब बाबा साहब से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या क्या चीजें बताई जा रही है समाज को और बाबा साहब जी ने संविधान की किन चीजों को अवगत कराया जा रहा है। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरे चैनल की तरफ से भी बाबा अम्बेडकर साहब शुभकामनाएं। इस मौके पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक राजकीय पर्व है और हम लोग इसे धूमधाम से मना रहे हैं। बाबा साहब संविधान के निर्माता हैं, उन्होंने हमें जो 85% लोग नहीं बल्कि 100% लोगों को, सबको उनका सभी का जैसा जैसा अधिकार है उन्होंने बाकायदे संविधान में लिख रखा है, और वही चीजें हम अपने लोगों को बता रहे हैं कि हमारे संवैधानिक क्या क्या अधिकार है वो हम अपने लोगों को बता रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं। और ये आज उनका बर्थडे है और उनके बर्थडे पर हम लोग केक को काट करके लोगों को मिठाइयाँ बिखरा रहे हैं। बस बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप संविधान के बारे में लोग जागरूक कर रहे हैं, तो ये जो आज रैली निकाल रहे हैं आप और इस तरीके से जुलूस इकट्ठा कर रहे हैं, इसके क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहले जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिख के दिया है वो संविधान के माध्यम से उस संविधान के दायरे में रह करके आज पूरे दुनिया को हम ये बताना चाहते हैं कि आज सबसे बड़ी जयंती पूरे विश्व में डॉक्टर बाबा साहब की मनाई जा रही है। और एक कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है। तो जब डॉक्टर बाबा साहब की रैलियाँ अगर लोग देखेंगे तो लोग अपने घर में चर्चाएँ करें। आने वाले समय में ये रैली बड़े पैमाने पर परिवर्तन हो जाए, इसलिए हम लोगों को दिखाना चाहते हैं डॉक्टर बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों की वजह से आज हम रोड में उनकी जगह बना रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि रैलियाँ निकाल के जागरूक करने का एक मिशन है, इस मिशन को कहाँ तक कितनी दूर ले जाएंगे? छोटी ग्राम सभा यहाँ से आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो आगे भी क्या कार्यक्रम है, किस तरीके से आप इसको पूरा करना है? पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हरकेश भाई कि आप आए, और मैं जो बताना चाहता हूँ कि ये जो बाबा साहब की 132वीं जन्म जयंती है ये यहाँ ही नहीं पूरे विश्व में मनाई जाती है और विश्व की सबसे बड़ी जन्म जयंती, और ये बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ हमारे ही लिए नहीं बल्कि देश में जितने भी भारत के संविधान मानते हैं सबके मत। और ये जो रैली निकाली गई है, ये भव्य शोभा यात्रा निकाला गया है, ये भव्य शोभा यात्रा आपके द्वारों से चल करके गले से निकलेंगे, ये कचरा से पूछा आ जाएगी, और कुछ उद्देश्यों को बताया जा रहा है कि बाबा साहब इस देश को पूरा करना चाहते थे, उनका यही लक्ष्य था कि लोग बढ़े और बढ़े अपने अधिकारों के प्रति, अपने महापुरुषों के सदम हो जाऊँ। जैसे जागरूकता का एक अभियान है, इस अभियान में सभी लोग चल रहे हैं और इस अभियान में अगर लोग जुड़ रहे हैं तो उनकी सोच क्या है वो चीज़ें जानेंगे। क्या सोच लेके आप निकल रहे हैं यहाँ पे? पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये सोच के निकला हूँ कि आने वाले जितनी भी युवा पीढ़ी है सभी लोग संविधान के बारे में पढ़ाई करें और सबसे पहले अपने लोगों को जागरूक करके सबको एक तरह से संदेश दें कि हमारे बाबा साहब ने हमारे लोगों को क्या किया है, बहुत बड़ी ताकत है। और तो जरा आप लोगों ने बात किया, जैसा जो अधिकार है उसको मांगने का जो हक है।
हमारा, उसके हम उसको पाने के लिए प्रयासरत हैं और इसी की जागरूकता के लिए आज उनकी जयंती पर हम एक जुलूस निकाल रहे हैं ताकि हमारे उन साथियों तक वो चीज़ें मैसेज जा सके जो नहीं जानते हैं कि उनको उनका अधिकार कैसे मिल सके। बाबा साहब ने क्या कुछ किया है उन सबको पाने के लिए हमें जागरूक करना पड़ेगा। सामाजिक स्तर से, राष्ट्रीय स्तर से, देश स्तर से हम लोगों तक पहुँचेंगे और वहाँ पर जाएंगे। इसी आयोजन पर आज देख रहे हैं कि गुरुपारा ग्राम सभा में एक छोटी सी रैली निकाली गई है, एक जागरूकता रैली उसको नाम दिया गया है। आने वाले समय में किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाएगा वो सब जानेंगे, लेकिन एक आम नागरिक से मैं इस बारे में जानना चाहूँगा कि आप आम नागरिक हैं और आज आपको जब अपने अधिकार के बारे में पता चल रहा है तो आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? हमको ये लगता है कि हमारा अधिकार जो है बिना लड़ाई और बिना संगठन के नहीं मिलता। हम बिना लड़ाई और संगठन के शांतिपूर्वक ढंग से जो है अपना अधिकार लेने के लिए हम सचेत। तो जैसा कि संगठन में आप लड़ाई लड़के जीतने का प्रयास कर रहे हैं तो इसमें लड़ाई किससे है आपकी? लड़ाई हमारी जो है न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, न्याय से है जो हमारा अधिकार छीन रहा है हम उससे लड़ेंगे, उससे लड़ेंगे। अधिकारों के लिए लड़ना भी चाहिए, तो क्या लगता है अधिकारों के लिए किसी भी प्रकार से लड़ाई में हम कदम से कदम मिला के चले या उसके लिए कोई संवैधानिक रूल अपनाना चाहिए? नियम और कानून के बीच चुनाव चाहिए, हम पूरा कदम कदम मिला के चलेंगे तो हमारा जो अधिकार है हमको मिले। नियम कानून के तहत चलेंगे, नियम कानून के तहत जो कानून की शिक्षा दी है अम्बेडकर साहब ने उसी को लेके आप लोग चल रहे हैं। ये अच्छी बात है, जागरूकता इसी बात की होनी चाहिए कि हमें संविधान के साथ में लड़ना चाहिए। और आप पूर्व प्रधान रह चुके हैं, आप क्या कहेंगे इस मौके? मैं इस मौके पे कह रहा हूँ मेरे यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा कोई ग्राम सभा में कोई विवाद नहीं होती है। हमारे यहाँ व्यक्तिगत पूरे ग्राम सभा का मैटर है, बहुत तरह से शुरू हो रही है। आने वाले समय में ये कितना बड़ा रूप लेगी और किन संविधानों का पालन किया जाएगा उन सभी निकले। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में और देखते रहिए मनोज के साथ में हरकेश और लाइव टीवी। तो ये थी लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल की कुछ खास खबरें। इसी तरह चुनिंदा खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल।